In finding the electric flux using the Gauss's law formula, electric field is equals to sigma by epsilon होता है, यहाँ पे q by a कर दिया sigma का, is applicable. In the formula, epsilon is permittivity of free space, a is the area of the Gaussian surface, and q enclosed is charge enclosed by the Gaussian surface. The equation can be used in which of the following cases? Only when Gaussian surface is an equipotential surface. नहीं, ये गलत है, जरूरी नहीं है. Only when E equals to constant on the surface. ये अकेले जरूरी नहीं है, constant होना चाहिए, only गलत है. और यहाँ भी ये only word गलत है, ठीक. For any choice of Gaussian surface, ये भी गलत है. Only when the Gaussian surface is an equipotential surface and E is constant on the surface. ये सही है, दोनों मिलके सही है. क्यों? देखिए, जब हम गॉस थ्योरम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन. अब ये डी एस ए बन के नीचे तभी आ पाएगा जब इनके बीच में एंगल, और यहाँ कोई कॉस थीटा डिवाइड में नहीं आएगा, जब इनके बीच में एंगल यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो जीरो डिग्री हो. यानी कि अगर कोई सर्फेस लेते हैं आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे होना चाहिए, तभी तो एक कॉस थीटा हटेगा. तो ई और ऊपर से ई तभी बाहर आ पाएगा जब ई भी कांस्टेंट हो. ई इंटीग्रेशन के बाहर तभी आ पाएगा जब ई कांस्टेंट हो. और डीएस क्या है, एक एक पर्टिकुलर सरफेस पे कह रहा हूँ मैं, ठीक है. और डीएस क्या है, एरिया, दैट इज एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन. एंड देन यू कैन राइट ई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन एस. ये डीएस तो एस सॉल्व होकर आया है. देन यू कैन राइट दिस फॉर्मूला जहाँ ने ए यूज किया है. सो बोथ आर equally necessary for Gauss theorem to be used. Remember that you must be thinking कि Gauss theorem तो आप ऐसा भी ले लेते हैं तो भी flux नहीं रहता है. उसके कारण यह है कि अगर निकल भी रही है electric field और area यहाँ है तो count भी सिर्फ यही वाला होता है, और सारे के सारे जो और बाकी टेढ़े-मेढ़े components होते हैं वो cancel out हो जाते हैं, ठीक है. So ultimately concept यही है कि आपकी electric field और surface हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर, दैट इज एरिया वेक्टर. सो द आंसर इज सी, सॉरी डी, दैट इज ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन ईपीएस एंड ई इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस. इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूँ, मैंने अलग से नहीं बोली, हालांकि एक तरह से इनडायरेक्टली बोल दी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्फेस वैक्टर आपस में पैरल होंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एवरीवेयर. If it is parallel to area vector, it is perpendicular to surface everywhere. And if the electric field is perpendicular to surface everywhere, then that means the surface is Gaussian surface. Because then you can write E dot surface पे कोई भी एक line ले लीजिए equal to zero, which is a property of equipotential surface. E dot dl zero कहाँ होता है? It is actually E dot dl होता क्या? dv. यानी कि potential difference surface पे zero होगा. So when you say that electric field is parallel to area vector, in other words, you also say that electric field is perpendicular to the surface, and that means E dot dl zero, which means dv equal to zero. Hence, potential difference is zero. Thus, we say that only when Gaussian surface is an equipotential surface and E is a constant on that surface. वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, E को constant होना जरूरी है. अभी integration के बाहर आएगा, और EDS बिना cos theta के अभी बाहर आ सकते हैं जब इनके बीच में एंगल cos theta, जो theta है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो जीरो डिग्री होगा.